गर्मी हो रही है, ऊपर से ऑटो नहीं मिल रहा है। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे अरे भैया रुको रुको रुको। मैडम किधर जाना है? भैया सिटी सेंटर जाना है। 100 रुपया लगेगा। मीटर से 50 लगता है, ज्यादा ज्यादा 50 दूंगी। हाँ अरे अरे सुनो, अरे 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 भैया भैया सिटी सेंटर चलो। हाँ माँ, वहाँ रिक्शा मिल गया, आप टेंशन मत लो। यहाँ अहमदाबाद में ना ये सारे ऑटो वाले पैसेंजर्स को लूटते हैं। पता है मुझसे 100 रुपए मांग रहे थे, डबल पैसे। मुझे पता है ना 50 रुपए लगते हैं। बाद में बात करती हूँ। भैया ये कैसा ऑटो है, इसमें तो मीटर ही नहीं है। मुझे बिठा लिया और आप बोलोगे कि मैम 100 रुपए दे दो। बहुत लूट मचा रखी है आप लोगों ने यहाँ पे, सब पता है मुझे। अरे ऑटो क्यों रोक दिया? सच बोला तो बुरा लगा ना। नहीं मैडम, आपका सिटी सेंटर आ गया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बताओ कितना हुआ है। अरे एक सेकेंड, मैं तो आपको 50 रुपए दूंगी। हाँ मुझे पता है आप मुझे 100 रुपए मांगने वाले हो। मैडम जी आपको कोई पैसा नहीं देना है। क्या मतलब ये मैडम जी कि आपका किराया आपसे पहले वाला पैसेंजर पे कर चुका है। मैडम जी सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और उसी अच्छाई को बाहर लाने के लिए मैंने शुरू किया है ये पे फ्रॉम योर हार्ट। मतलब ये मैडम जी कि मेरे दिन का जो पहला पैसेंजर होता है उसका पूरा किराया मेरी तरफ से उसे गिफ्ट होता है। उसके बाद वो पैसेंजर अपने दिल से अपनी खुशी से जो भी पैसा देता है वो मेरे अगले पैसेंजर का किराया बन जाता है, और इस तरह पैसेंजर एक के बाद एक अपना नहीं बल्कि आने वाले पैसेंजर का किराया पे करते हैं। और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। ये लीजिए मेरी तरफ से 100 रुपए आपके नेक्स्ट पैसेंजर के लिए। थैंक यू। थैंक यू भैया। जीना इसी का नाम है। मेरा नाम उदय सिरमलाल जादव है और मैं हमारे 2010 से मैंने ऑटो स्टार्ट किया, और जो मैं ये ऑटो चला रहा हूँ गिफ्ट इकोनॉमी, तो उसी पे से मेरा गुजारा चलता है। ये इंस्पिरेशंस मुझे 2010 में मिली थी, जो एक महेंद्र भाई करके है, ब्लाइंड थे, तो मैं चाय पी रहा था तो वो सामने ऐसे आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने चाय का कप मेरे जो दोस्त थे उनको दिया और फिर उनके पास गया। मैं बोला बोलिए सर आपको कहाँ जाने का है? बोले मुझे ब्लाइंड हॉस्टल जाना है। तो फिर मैं उनको बिठाया, बोला चलो आपको मैं वहाँ ब्लाइंड हॉस्टल छोड़ देता हूँ। फिर ऑटो में बैठते बैठते उनके बारे में मेरे बारे में उन्होंने शेयरिंग किया। उतरने के बाद में वो खुश हो गए, बोले मेरे पास बोले पैसा नहीं, बोला अरे मैं बोला बिंदास। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अच्छा इंस्पिरेशंस दे के गए, तो वो मेरे दिल में वो उतर गया। जब जब भी मैं आपको याद करूंगा तब तब ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आएगी। माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों देखे हम अमीर है। माला अपनी स्टार्टिंग में नो डाउट स्ट्रगल पड़ी थी, जैसे पैसेंजर थे वो मुझे पागल बोलते थे। अरे बोले क्या पागल जैसा आप धंधा करते हो, आपका फैमिली नहीं है? घर वाले भी ऐसा सोच रहे थे, पापा मेरी वाइफ मेरे, क्योंकि बच्चे लोग का परिवार का जो गुजरान चलाने का था और इसी पे जीवन था ऑटो पे, तो वो सोच रहे थे कि घर कैसे चलेगा। और जैसे हार्ट से हार्ट की कनेक्टिविटी होती है तो ये वर्क होता है ब्लॉसम होता है। जैसे बच्चे लोग होते हैं तो वो बच्चे लोग को बिठा के मैं जैसे सेवा काफे जो गिफ्ट इकोनॉमी में चलता है योर पे फ्रॉम और हार्ट, तो मैं वहाँ पे उनको ले जाता हूँ, वहाँ पे खाना खिलाता हूँ, उनको एंजॉय कराता हूँ, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। उदय भाई एक मिसाल है हम सब के लिए, जो अपने दायरे में रहने के बावजूद दूसरों की मुस्कुराहटों पे है निसार। हम सल्यूट करते हैं इस ऑफिसर के जज्बे को। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार,
जीना इसी का नाम है।